बड़ी खबर करौली से आ रही है। हिंडौन सिटी में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हिंडौन कोतवाली थाने पर कांस्टेबल को ट्रैप किया है। कांस्टेबल रामराज को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्त में लिया गया है। एसीबी टीम कोतवाली थाने पर पूछताछ कर रही है। मुकदमे में लाभ देने के एवज में घूस मांगी गई थी। अहम कार्रवाई हिंडौन सिटी में एसीबी ने की है, जहां कांस्टेबल रामराज को 10,000 रुपए की रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्त में लिया। एसीबी ने पूछताछ जारी है। मुकदमे में लाभ देने के एवज में ही कांस्टेबल ने घूस की डिमांड की थी। 10,000 रुपए की रिश्वत की रकम लेते वक्त रंगे हाथों गिरफ्त में लिया है। एसीबी ने बड़ी और अहम कार्रवाई हिंडौन सिटी में एसीबी ने की है, जहां रामराज को गिरफ्त में लिया। कांस्टेबल रामराज 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी की गिरफ्त में। करौली से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अहम कार्रवाई यहां पर की है एसीबी ने, फिलहाल क्या कुछ और जानकारी मिल पाई? क्या इस मामले में अकेला कांस्टेबल ही शामिल है या कोई और साथी भी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, एसीबी की बड़ी कार्रवाई है। हिंडौन कोतवाली थाने पर यह कार्रवाई की गई है, जहां कांस्टेबल रामराज को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। करौली एसीबी चौकी टीम की यह कार्रवाई है। मुकदमे में घूस की राशि मांगने के बाद में परवारी ने शिकायत की थी, और शिकायत की पुष्टि होने के बाद में ट्रैप की कार्रवाई की गई। अन्य की लिप्तता या अन्य बिंदुओं से एसीबी की टीम पूरी जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ की जा रही है, और इस बारे में एसीबी अधिकारियों की ओर से विस्तृत खुलासा भी कुछ देर में किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पूछताछ जारी है कांस्टेबल रामराज से।